चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। उदय एवं उदयगत भाव जिस ज्ञान दर्पण की स्वच्छता में प्रतिबिंबित होते हैं, भूतकाल में अनंत उदय और उदयगत भाव ज्ञान की स्वच्छ अवस्था में प्रतिबिंबित हुए हैं, फिर भी ज्ञान का जानना 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 ऐसा जो सहज स्वभाव है, ये सहज स्वभाव उदयगत भावों से अप्रभावित रहता है। संयोग एवं संयोगी भाव तभी दृष्टि में आते हैं जब ज्ञायक देव दृष्टि में नहीं होता है। अनंत विकल्पों की उत्पत्ति के काल में भी ये
यह जागृति के चैतन्य स्वभाव सदैव निर्मल है। कितनी ही तेजी से पानी का प्रवाह बहता हो, मगर यह जागृति की पानी के प्रवाह के कारण पानी की शीतलता को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह शीतल स्वभाव होने से पानी की गति के कारण उस स्वभाव में कोई खंड नहीं होता, भेद नहीं होता, यह स्वभाव अखंड कायम रहता है। निरंतर ज्ञान का जानना 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 ऐसा जो सहज स्वभाव है, जो परमाणुओं से व्यक्त नहीं हो सकता, जो विकल्प से व्यक्त नहीं हो सकता, कि परमाणुओं से व्यक्त होने के लिए परमाणुओं को स्वयं ही चैतन्यमय होना पड़े, विकल्पों से व्यक्त होने के लिए विकल्पों को स्वयं ही चैतन्यमय होना पड़े, जिन परमाणुओं के ढेर में ज्ञानी ने राख की दीवार को देखा है, उन्हीं परमाणुओं के ढेर में अनंत विकल्पों के जाल को देखा है, अनंत विकल्पों की उत्पत्ति को देखा है, और प्रति समय यह दृष्टि है कि ज्ञायक देव उन विकल्पों में कहीं पर भी नहीं। संयोग के कारण पर पदार्थों के योग में आकर के आत्मा में आज तक कोई भी भाव उत्पन्न नहीं हुआ। अपने में रह करके ही ये भाव उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि किसी भी परद्रव्य में विकार उत्पन्न कराने की शक्ति ही नहीं है। जीव का स्वयं का पुरुषार्थ बलवान है, संयोग नहीं। सफेद वस्त्र को यदि रंगीन वस्त्र के साथ में एक अलमारी में रखा हो, रंगीन वस्त्रों के साथ में रहने से सफेद वस्त्र रंगीन नहीं हो जाता, मगर वस्त्र को यदि रंग से रंगा जाए तो सफेद वस्त्र रंगीन हो सकता है। अन्य रंगीन वस्त्रों की संगति वस्त्र को रंगीन नहीं बनाती, स्वयं ही यदि रंग रूप परिणमित हो तो वह वस्त्र रंगीन होता है। ऐसे ही इस देह और देह के संयोगों के कारण आत्मा में विकल्प की उत्पत्ति नहीं होती। जब स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी है, उस कमजोरी के कारण विकल्प की उत्पत्ति होती है। सफेद बाल है और काले रंग की टोपी है, भले कितने ही लंबे काल तक ये योग रहे, मगर सफेद बाल काली टोपी के कारण काले नहीं होते। मगर उस बाल को यदि रंगा जाए तो काले रंग से रंगने पर बाल काले हो जाते हैं, किसी संयोग के कारण नहीं। उसमें ही यदि रंग से रंगा जाए तो कोई भी परद्रव्य आत्मा में रागादि विकारी भाव उत्पन्न कराता नहीं है। जब जीव स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी से उनमें तन्मय होता है, तब राग और द्वेष के भाव की उत्पत्ति होती है।
किसी भी प्रकार के योग में रह करके मूल वस्तु में तब तक परिणमन नहीं होता जब तक उसकी स्वयं की योग्यता न हो। लाल रंग के गिलास में पानी को रखने से पानी लाल नहीं हो जाता, मगर उस पानी में यदि लाल रंग डाला जाए तो पानी लाल हो सकता है। गिलास उसे लाल नहीं कर सकता, वह स्वयं यदि लाल हो तो उसमें रंग का मिलना जरूरी है। ये देह और देह के संयोग, ये परद्रव्य आत्मा में विभाव की उत्पत्ति के कारण नहीं है। इसलिए ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जिस स्थान पर आत्मा को किसी ना किसी का योग न रहा हो। वन में जाए तो वन में भी पेड़ पौधे पशु पक्षी, वन में जाए तो वहाँ पर नदी तालाब सरोवर, वन में जाए तो भी खुला आकाश, कोई ना कोई योग तो रहेगा। इसलिए संयोग से भागना नहीं है, सिर्फ संयोग के ज्ञान में जानने में आने के काल में उस ज्ञान की बहती धारा का न रुकना न टूटना यह जागृति बनी रहे। मगर उस जागृति में भी, बहते प्रवाह में भी ध्रुवता की जागृति, स्वयं ने ही स्वयं की ओर आज तक देखा नहीं, स्वयं का मुख ही अंतर्मुख हुआ नहीं। अनंत पर्यायों ने द्रव्य से मुंह मोड़ करके रखा, फिर भी जो जैसा है ऐसा ही रहा। यदि भीड़ में जाए, यदि शादी में पार्टी में जाए और तुम्हारी वहां उपस्थिति है और एक व्यक्ति वहां आए और वह तुम्हें देखे नहीं, दूसरा व्यक्ति आए और तुम्हें देखे नहीं, और ये सब तुम्हारे ही रिश्तेदार है, तुम्हारे ही रिश्तेदार तुम्हारी ओर देखे नहीं, कोई दूर दूर के रिश्तेदार नहीं, जब अपनी ही संतान अपनी ओर देखे नहीं और एक संतान दूसरी संतान तीसरी संतान, ये जितनी भी संतानें हैं उनमें से कोई भी संतान उस मां की ओर देखे नहीं, तो मां को कितनी पीड़ा होती है कि मैं यहां हूं, ये एक उत्सव मनाया जा रहा है और उसमें मेरी और मेरी एक भी संतान देखती नहीं है। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये भगवान आत्मा, यह भी एक मां है और आत्मा की प्रति समय उछलती यह ज्ञान की पर्याय, यह प्रति समय जानना जानना जानना, यह आत्मा की संतान है। एक एक समय की ज्ञान की पर्याय आत्मा का उपयोग आत्मा की संतान है, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, ऐसी अनंत पर्याय बीती और अनंत पर्यायों के बीतने पर भी एक भी पर्याय ऐसी न आई कि ज्ञायक की ओर सन्मुख हुई हो। सभी पर्याय परोन्मुखी, एक भी पर्याय ने ज्ञायक की ओर देखा नहीं। अनंत बार ऐसा हुआ, एक संतान मां की ओर न देखे,
दूसरी संतान माँ की ओर न देखे, माँ कैसे दुखी होती है। और ये अनंत संतानें त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व की ओर न देखे, अनंत पर्याय जो भगवान आत्मा की ओर नहीं देखती, अनंत काल में एक भी संतान ने आत्मा में से ही उत्पन्न होने वाली पर्याय ने आत्मा की ओर न देखा। टेबल कुर्सी का ध्यान नहीं है, यह शरीर ध्यान करता नहीं है, ध्यान आत्मा का है। और आत्मा का ध्यान ही आत्मा को नहीं देखता, आत्मा की ओर दृष्टि नहीं करता। मुर्दा भी ध्यान करना चाहिए, यदि मुर्दे का स्वभाव ध्यान करना होता। यह ध्यान आत्मा का स्वभाव है और यह ध्यान अपनी ओर ही नहीं देखता। आत्मा का ध्यान आत्मा की ओर न देखे, अनंत काल बीतने पर भी एक भी बार न देखे। अहो भाव ऐसा आता है ज्ञानी को जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है उससे पूर्व इस प्रकार का अहो भाव आता है। अनुभूति के बाद तो ऐसी निराली दशा है, ऐसी सहज सहज निर्विकल्प शांति है। मगर निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व भी ऐसा तत्व विचार चलता है कि अनंत पर्याय, अनंत संतान जिस माँ की ओर नहीं देखती, फिर भी माँ को दुख नहीं हुआ। माँ को न दुख हुआ, न माँ को सुख हुआ। माँ आनंद स्वरूप है और आनंद स्वरूप रही, सुख को भोगने भी न गई, दुख को भोगने भी न गई। पर्याय यदि द्रव्य की ओर दृष्टि करे तो पर्याय आनंद को भोगती है, पर्याय यदि आत्मा की ओर आनंद की ओर दृष्टि न करे तो पर्याय दुख को भोगती है। मगर आत्मा जो आनंद स्वरूप है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भगवान आत्मा मैं हूं। स्वयं की पहचान ही आनंद से हो कि मैं आनंद स्वरूप ज्ञायक देव हूं। और ऐसा जब अहो भाव आता है तब पर्याय द्रव्य के सन्मुख होती है। ये विचार जो है, ये विचार ही ध्यान में रूपांतरित हो जाता है। पर की ओर ज्ञान बहता था तब विकल्प में रूपांतरित तो होता था। जब ज्ञान की बहती गंगा स्वरूप की ओर ढलती है तब वही ज्ञान निर्विकल्प में रूपांतरित तो होता है, विकल्प से निर्विकल्प होता है। फिर देह के परमाणु रहते हैं, वे रुकता नहीं है। स्वरूप की स्थिरता, देह के परमाणु का अपना अपना कार्य तो होता रहता है। जैसे नींद के काल में, गहरी निद्रा में भी शरीर में खून दौड़ता रहता है। उस खून को दौड़ाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ा। कोई भी कार्य होता हो, बात करते हैं, बैठे हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, ये क्रिया के काल में, ये क्रिया के काल में ये जागृति कि इनमें भी आत्मा का कहीं पर भी मिलना नहीं, आत्मा का कहीं पर भी जुलना नहीं, इन क्रियाओं के काल में भी यह जागृति। खून दौड़ता हो मगर दौड़ते हुए खून में भी जैसे अज्ञानी को यह श्रद्धा होती है कि मेरे कारण ये खून नहीं दौड़ता, दुकान पर बैठे हैं तो भी शरीर में खून दौड़ता है,
मैं खून को दौड़ाता नहीं हूं, वो अपना कार्य करता है। जैसे उसमें कर्तृत्व भाव नहीं है कि खून को दौड़ाने वाला मैं हूं, शरीर में प्रति समय खून दौड़ रहा है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि को जागृति है। बोलने की क्रिया में, रोटी तोड़ी तो रोटी की खाने की क्रिया में, चलने की क्रिया में, ऐसे खून को दौड़ाने वाला मैं नहीं, ऐसे ही ये देह की क्रिया जो हो रही है उसको करने वाला मैं नहीं, यह जागृति प्रति समय रहती है। यह जागृति परम धर्म है। क्योंकि उस क्रिया को करने के लिए उसके स्वभाव को पहचाना, अपने स्वभाव को पहचाना, खून के बहने के स्वभाव को पहचाना कि उसे जरूरत ही नहीं है कि मेरा ध्यान उसकी ओर जाए। इसलिए भले ही उपयोग शरीर की ओर जाता हो, मगर ज्ञानी को ये मेरा उपयोग देह की ओर गया है, इसलिए ये देह अभी है एक समय के लिए भी, उनको नींद में भी, उनको कभी सपने में भी ऐसा भाव नहीं आता कि इस कारण से कि ये शरीर जो है, ये शरीर की ओर मेरा उपयोग जाता है, शरीर की ओर मेरा ध्यान जाता है, इसलिए शरीर ये स्वस्थ टिकता है। जागृति है कि इस शरीर में ध्यान जाने से नहीं, वर जवानी में जब जवानी थी तब देह का ध्यान नहीं रखा तो देह बीमार नहीं हुआ, और बुढ़ापे में देह की इतनी चिंता करते हैं, इतनी दवाई खाते हैं, फिर भी बीमारी बढ़ती ही जाती है। देह की ओर इतना ध्यान लेकर जाते हैं मगर देह साथ नहीं देता। उससे पता चलता है कि ध्यान देह की ओर जाए, इसलिए देह थोड़ी ना टिकता है। तीर्थंकर परमात्मा का जो उपयोग अंतर्मुख हुआ अनंत काल के लिए, वरना केवल ज्ञान होता कैसे? देह की ओर ध्यान ही नहीं गया, फिर भी देह ऐसा स्वस्थ जिसमें कभी उस देह में बीमारी नहीं आ सकती, भूख नहीं लग सकती, प्यास नहीं लग सकती, पसीना नहीं हो सकता, अरिहंत भगवान के जो 18 दोष से रहित ऐसी जो दशा है, देह की ओर तो ध्यान भी नहीं जाता। इसलिए क्योंकि देह की ओर ध्यान जाने से देह नहीं टिकता, उपयोग उपयोग का कार्य करता है और देह देह का कार्य करता है। ऐसे ही देह में से कर्तृत्व बुद्धि मिट जाते ही ये भाव ही छूट जाता है, ये भाव छूट जाता है। ग्रंथाधिराज समय सार में इसी पर ही जोर देकर के समझाया है, कर्तृत्व बुद्धि से छुटकारा कैसे हो। इसलिए सबसे ज्यादा जोर कर्ता कर्म अधिकार में, कि कर्ता का भाव इतना है कि मैं ही करो, मैं ही करने वाला हूं, सहज संजोग ऐसा होता है कि उस समय पुण्य का उदय होता है, और विकल्प भी ऐसा ही होता है। इसलिए यह भ्रम हो जाता है कि मेरे कारण यह घटना घटित हो रही है। मैं सम्मान चाहता हूं और उस समय यश कीर्ति नाम कर्म का पुण्य का उदय भी चल रहा है, और उस समय सामने से किसी ने सम्मान दिया, तो ऐसा भ्रम हो जाता है कि मेरे कारण ही मैं कुछ महान हूं, इस वजह से मुझे मान मिल रहा है। मगर वही व्यक्ति जो आज तुम्हें सम्मान देता है कल अपमान करेगा,
व्यक्ति वही है, मगर उस समय उदय बदल गया। ऐसा लगता है कि मेरे कारण होता था, वो मेरे कारण नहीं। और ज्ञानी को यह दूर दिखता है कि मैं चैतन्य तत्व, ये उदय की क्रिया में कहीं पर भी नहीं, यह जागृति उदय की क्रिया में मैं कहीं पर भी नहीं, और सभी के उदय है। आज जो तुम सब लोग इतने लंबे काल से, 1 घंटे से ज्यादा हो गया इतना तुम्हारा काल, ये बिगड़ा तुम्हारा समय, इतना तुम्हारा समय इतना बिगड़ा। यदि तुम साधक होते तो साधक का समय न बिगड़े, ऐसी जागृति रहे। यही तो साधना की घड़ी है। दूसरा कोई सोचे या न सोचे, ज्ञान दीपक के लिए तो ये घड़ी साधना की घड़ी हो। कुछ भी नहीं बिगड़ता हुआ तुम्हें दिखाई दे, ज्ञान का प्रवाह जो बहता है, उस बहते प्रवाह में तुम ज्ञान की ध्रुवता को देखो। इसे मैं थर्मोमीटर कहता हूं। थर्मोमीटर को फेंक मत दो। जैसे ही पता चले कि तुम्हें 104 बुखार आया है, थर्मोमीटर को फेंक मत दो, क्योंकि थर्मोमीटर ने बुखार नहीं लाया। ये बुखार जो था उसका पता चला थर्मोमीटर से। तुम्हें जो आकुलता हुई, दुख हुआ कि यह सत्संग का समय और सत्संग अभी चालू नहीं हुआ, कितनी आकुलता हुई एक ही कारण से कि सत्संग समय पर शुरू नहीं हुआ। सत्संग समय पर शुरू नहीं हुआ इस वजह से आकुलता नहीं है। तुम्हारे में आकुलता कितनी है वो सत्संग शुरू नहीं हुआ उससे पता चलता है, वो थर्मोमीटर है। और थर्मोमीटर को फेंकना मत, क्योंकि जैसे ही दवाई लेने से तुम्हारा बुखार दूर होगा, थर्मोमीटर फेंकने से बुखार दूर नहीं होगा। दवाई लेने से बुखार दूर होगा, थर्मोमीटर रखना कल काम में आएगा, 104 में से 102 हुआ या नहीं। तो मैं ऐसी कसौटी तुम्हारी बहुत बार करूंगा, आज 1 घंटा कल 5 घंटे इंतजार कराऊंगा, वही थर्मोमीटर लेकर आऊंगा, मगर तुम दवाई ठीक तरह से लेते रहना। ध्यान से पूर्व चैतन्य तत्व विचार, ये निरंतर चलता रहे। आज यहां दिल्ली में फरीदाबाद ज्ञान दीपक के निवास स्थान पर समय सार की मंगल स्थापना हुई। कुछ ठिकाना नहीं, ऐसे सत्संग का आयोजन नहीं किया जाता। पूरी तरह से व्यवस्था करनी चाहिए, इंटरनेट की व्यवस्था पहले से कर लेनी चाहिए। अमेरिका में लोग 4 बजे 3:30 बजे उठ करके अभी सुनने वाले हैं अलार्म लगा करके। अगली बार से ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसा मैं नहीं कहता, मैं इनकी अंतर की भावना को देखता हूं। ये बाहर का सब 2 कौड़ी का, इंटरनेट चले न चले, लैपटॉप चालू हो नहीं हो, खराब हो जाए, कैमरा टूट जाए, गिर जाए, मैं तुम्हें उस दृष्टि से देखना चाहता हूं कि सबसे बड़ा डिस्कनेक्शन ये पर्याय का द्रव्य से जो अनादि काल से है, वो तुमने कभी कनेक्ट किया? उस कनेक्शन का कभी विचार किया?
कितने भी नजदीक आकर के भी कैसे वंचित रहते हैं, देखा ना? सब तैयार है, सामने लैपटॉप है, कैमरा है, मैं हूं, सब कुछ है। ऐसा ही एक बार हुआ था, मैंने आपको बताया हो तो, सुबह सुबह सत्संग था, रात को मैंने लैपटॉप चार्जिंग में रख दिया, प्लग में सब पिन वगैरह लगाकर यहां पर कनेक्शन जोड़कर सब ठीक कर दिया, और सुबह सत्संग था, और सुबह उठ करके मैंने लैपटॉप चालू किया तो चालू ही नहीं हुआ कि अरे रात को तो सब ठीक था, सिर्फ एक ही भूल कि स्विच चालू करना भूल गया था। बस इतना छोटा सा कनेक्शन, सब कुछ होने के बावजूद भी, इसे मैं कहता हूं कि गुरु के पास आकर के भी शिष्य की श्रद्धा होते होते रह जाती है, वो कनेक्शन नहीं मिल पाता। इसलिए मैं तो अपने को धन्यभागी समझता हूं, मैं प्रतिकूलताओं को आमंत्रण देता हूं, अपनी तरफ से व्यवहार ठीक तरह से करता हूं, इनको कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, समय पर होना चाहिए, ठीक तरह से होना चाहिए, मगर भीतर में तुम्हारे भीतर यह जागृति हो कि यही तो साधना की घड़ी है, यही तो भीतर में भेद विज्ञान की घड़ी है, यही तो देह से अतीत, देह से मुक्त हो जाकर एक नए लोक में जाने की घड़ी है। जितने भी पर से तुम विरक्त हो करके तुम अंतर्मुख हो सको, बस उस घड़ी का सदुपयोग करना, उस घड़ी का सदुपयोग करना, एक परिपूर्णता का अनुभव होगा, कहीं पर भी खालीपन न दिखेगा, कोई पराया वहां बीच में आता ही नहीं, वो एक समय की ऐसी दशा। पर का विकल्प ही नहीं रहता, हे ज्ञान दीपक, अनंत परमाणुओं में अपना विस्तार मत देख, जो उदय की धारा बहती है वो उदय की धारा भी महल के भीतर नहीं बहती, गंगा उत्पन्न हुई है हिमालय से और मिली है बंगाल की खाड़ी में, और वो महल में कहीं पर भी नहीं आई, ऐसे ही देख कि ये उदय के जो भाव है, ये भाव ऐसे ही प्रभाव है, ये जागृति ये प्रभाव है, और ये प्रभाव चारों ओर से ऐसे ही कहीं पर भी अवकाश न दिखाई दे तो तुम्हें उदय अपने में मिलता हुआ न दिखेगा। आज ज्यादा समय नहीं बचा है सत्संग का, आगे भी एक जगह पहुंचना है, सुबह से लेकर के स्थापना चल रही थी, आज यहां समय सार की 142 स्थापनाओं में से 22वीं स्थापना यहां हुई, अभी आगामी दिनों में, कल परसों और 2-3 दिन तक यहां पर दिल्ली में समयसार की स्थापना होगी। स्थापना तो दिन में बहुत होती है, मगर मैं बार बार आपको लाइव स्थापना का सेशन अटेंड करने के लिए बुलाता नहीं हूं, क्योंकि यहाँ दिन होता है, परदेश में रात होती है, तो कोशिश करता हूं कि आपको भी रात को जगना न पड़े। अभी आगे की स्थापना के लिए पंजाब में, चंडीगढ़ में, जहाँ जहाँ अंबाला में,
स्थापना के लिए जाना है, वो भी एक दो दिन में आपको बता देंगे, मगर प्रति समय ये जागृति रहे। यहां से तीन तीन चार चार घंटे का रास्ता है, वहां पर भी एक सत्संग होगा। यहाँ दिल्ली से भी मुरादाबाद, मेरठ, एक ही दिन में, परसों वहां पर रविवार के दिन स्थापना है, रविवार या सोमवार के दिन, सोमवार के दिन स्थापना है। मुझे तो वार और दिन का भी अभी पता नहीं। शनिवार रविवार को दिल्ली में है स्थापना, फिर मुरादाबाद और मेरठ में सोमवार के दिन स्थापना है। सुबह जाएंगे 3 घंटे पहले, फिर वहां से मेरठ, पूरा दिन भर वहां पर एक ही ज्ञान दीपक के लिए वहां जाना पड़ रहा है। मगर जाना पड़ रहा है ये ठीक नहीं, जाना है। प्रत्येक ज्ञान दीपक एक हो तो क्या हुआ? एक यदि मोक्ष में जाएगा तो जो कतार में बीच में खड़ा है, आगे 608 जीव जो निगोद में से निकलने वाले, वो कतार में बीच में जो अटका है वो आगे जाएगा तो बाकी के लिए लाइन क्लियर करेगा। इसलिए एक एक जीव का इतना ही महत्व है। वहां पर भी सब जगह, परदेश में भी भावना पाता हूं, ये फ्लाइट बंद हो जाए उससे पहले वहां पर भी आपके अमेरिका और कनाडा में भी स्थापना सभी के वहां हो जाए, ऐसी मंगल भावना पाता हूं। और होगा, ये भाव है तो होगा, ये स्थापना भी होगी। आपका बस नित्य क्रम नियमित रूप से चलता रहे, आपकी साधना चलती रहे। समय से पार, त्रिकाल साक्षात समय सार स्वरूप, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं साक्षात समय सार स्वरूप चैतन्य परमात्मा, मैं साक्षात समय सार स्वरूप चैतन्य परमात्मा। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो देहातीत उन ज्ञानी के चरण